मंडी जिला के सुंदरनगर स्थित प्रदेश के एकमात्र विशेष बच्चों के संस्थान की लड़कियां प्रदेश का नाम जिला स्तर पर रोशन करने जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा संचालित विशेष योग्यता प्राप्त बच्चों को संस्थान छात्रा सुंदरनगर की चार दृष्टि बाधित छात्राओं का गुजरात में होने वाली राष्ट्रीय खेलकूद में चयन हुआ है। संस्थान की सृष्टि, सांची, सुमन और मंजू अब गुजरात जाकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाने जा रही है। इन चारों छात्राओं का राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए चयन हाल ही में प्रदेश के हमीरपुर में संपन्न हुआ। राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के बाद किया गया है। वही राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन के बाद सुंदरनगर संस्थान पहुँचने पर जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल द्वारा छात्रों को मेडल पहनाकर स्वागत किया गया। बता दें कि विशेष योग्यता प्राप्त बच्चों का संस्थान सुंदरनगर में छात्राओं के खेलों के लिए मैदान का अभाव और सुविधाओं की कमी के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया गया है। सर, पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि हम नेशनल के लिए जा रहे हैं, मतलब और अच्छा एक्सपीरियंस है। अब कोशिश यही है नेशनल से इंटरनेशनल तक जाने की। कॉम्पिटिशन बहुत है लेकिन हारना नहीं है, अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। और मैं अपने टीचर्स, पेरेंट्स को बहुत सारी बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन और रिस्पेक्टफुली कह सकती हूं कि इन्होंने मेरी प्रैक्टिस करवाई, इन्होंने मेरे को इतना बनाया कि मैं स्टेट से आज नेशनल की तरफ जा रही हूं और मैं नेशनल से कुछ ना कुछ लेके आऊँ। थैंक यू, बस ये कहा। सर, जैसे कि मैं भी यही बोल रही हूं कि हमारे लिए ग्राउंड चाहिए। हमने नेशनल से इंटरनेशनल तक जाना है, आज नहीं तो कल ग्राउंड तो हमें चाहिए, क्योंकि हमने आगे भी जाना है, हमें और भी गेम्स खेलनी है, हमें सिर्फ एक ही गेम नहीं होनी, बाकी गेमों में भी आगे जाना है, बस। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी नेशनल लेवल तक सिलेक्शन हुई है, और हमारे टीचर्स और पेरेंट्स को पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत थैंक यू जिन्होंने हमारी इतनी प्रैक्टिस करवाई, क्योंकि स्टेट लेवल से नेशनल लेवल तक जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, तो थैंक यू टीचर्स। यस सर, एक तो ग्राउंड तो चाहिए ही और हमें एक इंडोर स्टेडियम भी चाहिए, सरकार से डिमांड। कैसे लग रहे सर? इसके लिए तो सबसे पहले मैं बच्चों को व उनके पेरेंट्स को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि बच्चों ने एक संस्थान का और पूरे हमारे स्टेट को अब रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं अपने पूरे स्टाफ को, पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से हमारे बच्चे आज स्टेट लेवल पे, उनकी सिलेक्शन स्टेट के लिए वो हमीरपुर में खेले, अब उनकी सिलेक्शन जो है नेशनल के लिए गुजरात में हुई है। उसके लिए मैं पूरे स्टाफ का और बच्चों का बहुत बहुत बधाई देती हूँ सबको, और साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करना करती हूँ। और साथ ही एक रिक्वेस्ट रहेगी आपके माध्यम से कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में हर एक एक्टिविटीज़ में आगे हैं, तो इनके लिए ग्राउंड की अगर फैसिलिटी हो जाती है तो हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक बहुत अच्छा खेल सकते हैं। तो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी तरफ से, पूरे स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएँ। ज़िला मंडी में हिमाचल प्रदेश का एकमात्र विशेष बच्चों का संस्थान, जो कि विशेष बालिकाओं के लिए हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें जो हमीरपुर में अभी हमारे 13 और 14 जनवरी को स्टेट लेवल का पैरा स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया, उसमें हमारे संस्थान की जो चार बच्चियां हैं वो नेशनल लेवल के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, और जो यहाँ स्टाफ हमारे कार्यरत हैं उन्होंने भी अच्छी मेहनत की है, प्रयास किया है, ताकि यहाँ के बच्चे इससे पहले भी वो नेशनल लेवल तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। हमारे संस्थान से एक बच्ची सृष्टि, जो कि सारेगामापा में भी अपनी आवाज़ का जादू जो है वो बिखेर चुकी है। मैं विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस संस्थान में मेरा ये निवेदन रहेगा कि अगर इसमें इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाता है तो हमारे बच्चे राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं।